कह सर रोज वही घोषणा प्लेग्राउंड प्ले, वो रोज खुलेगा अभी और तीन बार उद्घाटन होगा। मैं इंशाल्लाह आने वाले दो से चार दिन के अंदर मैं मुमरा के अंदर जो मनमानी करके रिजर्वेशन के मामले में जो खिलवाड़ हुआ है उस चीज के लिए मैं आवाम के सामने और हर पत्रकार के सामने मैं आने वाला सामने बिल्डिंग बनेगी पीछे प्लेग्राउंड जाने वाला है। और जब वो प्लेग्राउंड जुड़ेगा ना जो कॉर्पोरेशन के मालिकियत का जूना आरजी रिजर्वेशन है ना वो आरजी है रिक्रिएशन ग्राउंड का रिजर्वेशन जो नाइस वर्ल्ड के बीच में से डीपी रोड जाता है उसकी लेफ्ट साइड में आरजी रिजर्वेशन क्या करेंगे ताला भी यही मारेंगे ताला तोड़ेंगे भी यही इल्जाम लगाएंगे दूसरों पे। और उधर तो बिल्डिंगों के प्लान बनने वाले और बिल्डिंग के कानून के नियम के हिसाब से 70% प्लेग्राउंड और 30% सामने तो बिल्डिंग आने वाली है। तमाम मुमरा कौसा के अवाम से गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तालीमी राफ्ता है अच्छे तालीम से पढ़े लिखे लोग हैं तालीम से ताल्लुक रखते हैं अच्छी नौकरी करते हैं सूझबूझ वाले हैं। ये शिकंजे ये जो बचपनों का खेल है उससे जरा बच के रही यानी अभी तो ना चिड़ आने लग गई है कि तुम अवाम के साथ कितना खिलवाड़ करोगे। अरे उधर एक आदिवासी का डिस्प्यूट चल रहा है वो जगह नरोत्तम नगर सोसाइटी की जो गेट की थी 54, 55, 56 उसके लिए दो बिल्डर झगड़ रहे हैं। विधायक साहब ने खुद मेरा ऐलान है विधायक साहब ने जितनी मेरे को मालूमात मिली है सुना कि खुद का पर्सनल चेक वो जमीन खरीदने को दिया जिधर वो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं खुद का पर्सनल चेक है बट खड़े रह के वो बोले कि नहीं दिया बैंक की पासबुक लेकर आ जाता हूं मित्तल की मैं। उधर तो बिल्डिंग का प्रपोजल दे रहे और बिल्डिंग के प्रपोजल से आर्किटेक्ट का प्लान है मेरे पास जो सबमिट करने वाले हैं तो पीछे के साइड मैदान है। तो हकीकत में तुमको आवाम के फिकर थी और सूझबूझ थी और दिखावा नहीं करना था वो वोट जिसका कर्ज तुम्हारे पे है जिन्होंने तुमको चुन के दिया है और वो नौजवानों को हकीकत में प्लेग्राउंड देना होता तो जो प्लेग्राउंड पिछले 10 साल पहले तुम्हारे को हैंड ओवर हुआ है और वो हैंड ओवर हुआ प्लेग्राउंड आपके स्टेडियम के बाजू में आरजी मैं सर्वे नंबर देता हूं आपको जो वीरानी फैमिली से हैंड ओवर हुआ था तो वो प्लेग्राउंड खोल के देते जो टीएमसी के नाम पे हुआ था वो प्लेग्राउंड खोलने की जगह पे उनके गोसावी साहब और उसके बड़े इंजीनियर उन्होंने वहां तो उन्होंने पंप और सम्प रूम बना दिया आरजी की जगह पे जो प्लेग्राउंड टीएमसी के नाम पे जो एक नुमाइंदे के नाते सरकार की चीज पहले आवाम को दी जाती है कि गैर कानूनी प्राइवेट चीज किस आवाम को दी जाती है आप मुझे बताइए। आपको दो चीज को ऑप्शन रखा जाएगा आप पहले क्या लेंगे सरकार के नाम पे वो चीज दी गई है वो आवाम के फायदे के लिए मांगेंगे कि खासगी मांगेंगे क्या मांगेंगे आप आवाम सरकारी ना सरकारी ना जो सरकारी नाम पे हो गई है उधर तो संपर्क पंप रूम बनाया मैदान की बात कर रहे तो बताइए ना 50 लाख का चेक दिया है कि नहीं दिया है प्रेशर है कि नहीं है कि मुझे मेरे सिवा किसी को जमीन बेचने और उधर तो बिल्डिंगों के प्लान बनने वाले और बिल्डिंग के कानून के नियम के हिसाब से 70% प्लेग्राउंड और 30% सामने तो बिल्डिंग आने वाली है। मैं तो गैर प्लान भी तुम्हारे सामने रख लू कभी बोले ज्यादा चैलेंज किए मेरे से तो आवाम को गुमराह मत करे कुछ भी ताला तोड़ना गेट तोड़ना। अरे जो कॉरपोरेशन के नाम की जमीन है हाँ हमने तो गलती कबूल की है कि हमारी गलती हो गई आवाम के साथ हमारे से गलती हो गई 2009 में हमको देख के और हम लोगों के हाथ जोड़े थे और जो हकीकत में नौजवानों ने मेहनत की थी उनके ऊपर उनको चुन के दिया था हमने तो माफी मांगी आवाम के सामने तो वो प्लेग्राउंड देना चाहिए था। आरजी रिजर्वेशन की जगह है आरजी रिजर्वेशन की जगह है वो खोलना चाहिए। अरे उतना खोलना था तो 20,000 मीटर 3 एकड़ का आरजी रिजर्वेशन उधर के सेंट्रल रिवियरिया के अंदर है वो क्यों नहीं खोल रहे पाम रिवेरिया सेंट्रल यस का उसके अंदर क्यों नहीं खोले वो तो एआर में उसके प्लान मंजूर करके दिए छुपी पार्टनरशिप है लोगों की वहां पैसा कमाना है आवाम को कुछ देना नहीं है तो खेल खिलवाड़। मैं क्या कहा कि मोमिनों के साथ यहाँ की आवाम के साथ हमेशा खिलवाड़ हुआ है गुमराह करो कुछ दे दो ले लो
इतने कब्रस्तान आए ना, ये कौसा के बाद में कभी ना एक बार जिक्र नहीं हुआ है। एक कब्रस्तान के नाम पे जिक्र, एक स्टेडियम कौन सा, क्या जिक्र चलता है? प्लेग्राउंड के ऊपर क्या करेंगे? ताला भी यही मारेंगे, ताला तोड़ेंगे भी यही, इल्जाम लगाएंगे दूसरों पे। अरे वो ताला पता है ना, वो डॉक्यूमेंट किसका है? 50 लाख का एडवांस दिया कि नहीं? और उधर वो आरजी के लिए आपने पैसा डाला है कि एआर पॉलिसी के अंदर बिल्डिंग बनाने को पैसा डाला है? आने वाले समय में वहां पर बिल्डिंग बनेगी, सामने बिल्डिंग बनेगी, पीछे प्लेग्राउंड जाने वाला है। और जब वो प्लेग्राउंड छोड़ेगा ना, जो कॉर्पोरेशन के मालिकियत का जूना आरजी रिजर्वेशन है ना, वो आरजी रिक्रिएशन ग्राउंड का रिजर्वेशन, जो नाइस वर्ल्ड के बीच में से डीपी रोड जाता है उसकी लेफ्ट साइड में आरजी रिजर्वेशन है, रिक्रिएशन ग्राउंड का। वो पार्क में हो सकता है आरजी रिजर्वेशन है, उसका 50% हिस्सा कॉर्पोरेशन के नाम पे हो गया है। आप जब आज ये मैदान के अंदर जाओगे ना, तो एंट्री मारोगे तो अंदर से देखो एक गेट है, दीवार लगी हुई है, वो दीवार हमारे नाम पे थी। जब मुस्लिम के चाहने वाले, मुझे मालूम है वो बंदे, मुझे जब मेरा क्रिकेट टूर्नामेंट दादोजी कुंडे में था, जब ही बताया था उन्होंने कि हमको चाहिए प्लेकार्ड लेकर, मैं बोला था मैं दूंगा, बट मेरे देने की कोशिश थी देरी। मैंने उनको कहा कि कानूनी तौर पे दूंगा, तो कानूनी तौर पे वो जमीन हैंड ओवर होनी चाहिए। वो जमीन हैंड ओवर होके तुम्हारे को कॉर्पोरेशन से ऑफिशियली मिलेगी, तो कल परमानेंट हो जाएगी वो। यानी आज आप चिल्ला रहे है घोषणा करो भाग जाओ, तो नहीं कह, रोज वही घोषणा, प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड, वो रोज खुलेगा भी और 3 बार उद्घाटन होगा उसका, जगह बदलते रहेंगे, इतना देख लेना। बताए मैं फिर से दोहराता हूँ, 50 लाख रुपए खुद का चेक दिए हुए कि नहीं एडवांस? ऐसा है ये मुमरा के अंदर, मुमरा कौसा के अंदर देखेंगे, जो आवाम की ज्यादा तादाद में जो पब्लिक है, मुमरा में कोई खुली जगह नहीं बची है। कौसा में आप मित्तल का रोड छोड़ के आएंगे, हमारे कौसा गांव तक आप जाएंगे, यानी उसके आगे तालाब के आगे तक जाएंगे, तो कोई खुली जगह बीच में बची नहीं है। राइट लेफ्ट में एक अमृत नगर में छोटा सा मैदान है, और जो बचा है, जो पहले क्रिकेट टूर्नामेंट होते, मैं खुद खेलने आता था राबोड़ी से क्रिकेट टूर्नामेंट, जुलूस अपने जलसे होते थे, उसके बाद में बदीनी प्रोग्राम भी हुआ हुए है, तो वो सब खुली जगह पे बिल्डरों की आई है। प्रोग्राम चीजें मिलेगी, मैदान भी मिलेगा, सब चीज मिलेगी, तरीके से होनी चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए और उधर से मदद करके लेनी चाहिए। सिर्फ आज आवाम सर पे बैठे, क्योंकि तुम्हारी नाकामी रही है, तो कुछ भी झूठी घोषणा नहीं होनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर, मैं मुमरा के अंदर जो मनमानी करके रिजर्वेशन के मामले में जो खिलवाड़ हुआ है, उस चीज के लिए मैं आवाम के सामने और हर पत्रकार के सामने मैं आने वाला हूँ। मैं आवाम से अपील करूंगा कि उस चीज के लिए हमारे साथ जुड़े, हम सिग्नेचर कैंपेन लेंगे और बताएंगे कि हकीकत में आवाम को किस चीज की जरूरत है और किस तरीके से दादागिरी के दौर पे 15% पुकट की पार्टनरशिप, 20% पुकट की पार्टनरशिप लेकर आवाम के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पैसा निकाला जा रहा है, और ये चीज मैं साबित करके दी।